हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल माय यूट्यूब चैनल हर कल कुछ नया। में आज हम जानेंगे शीत ऋतुचर्या। शीत ऋतु के अंतर्गत हेमंत और शिशिर ऋतु आते हैं। यह ऋतु विसर्ग काल और दक्षिणायन का अंत काल कहलाती है। इस काल में चंद्रमा की शक्ति सूर्य की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली होती है, इसलिए इस ऋतु में औषधियाँ वृक्ष पृथ्वी की पौष्टिकता में भरपूर वृद्धि होती है व जीव जंतु भी पुष्ट होते हैं। इस ऋतु में शरीर में कफ का संचय होता है तथा पित्त दोष का नाश होता है। शीत ऋतु में स्वाभाविक रूप से जठराग्नि तीव्र रहती है, अतः पाचन शक्ति प्रबल रहती है। ऐसा इसलिए होता है कि हमारे शरीर की त्वचा पर ठंडी हवा और ठंडे वातावरण का प्रभाव बारंबार पड़ते रहने से शरीर के अंदर की उष्णता बाहर नहीं निकल पाती और अंदर ही अंदर इकट्ठा होकर जठराग्नि को प्रबल करती है। अतः इस समय लिया गया पौष्टिक और बलवर्धक आहार वर्ष भर शरीर को तेज बल और पुष्टि प्रदान करता है। इस ऋतु में एक स्वस्थ व्यक्ति को अपनी सेहत की तंदुरुस्ती के लिए किस प्रकार का आहार लेना चाहिए, शरीर की रक्षा कैसे करनी चाहिए, आइए उसे हम जानें। शीत ऋतु में काढ़ा तथा मधु रस प्रधान आहार लेना चाहिए। पचने में भारी पौष्टिकता से भरपूर गर्म व स्निग्ध प्रकृति के घी से बने पदार्थों का यथा योग्य सेवन करना चाहिए। वर्ष भर शरीर की स्वास्थ्य रक्षा हेतु शरीर का भंडार एकत्रित करने के लिए उदरपाक, सालमपाक, सोठपाक जैसे वाजिकारक पदार्थों अथवा च्यवनप्राश आदि का प्रयोग करना चाहिए। मौसमी फल, साग, दूध, रबड़ी, घी, मक्खन, शहद, उड़द, खजूर, तिल, पोखरा, मेथी, पीपल, सूखा मेवा और चर्बी बढ़ाने वाले अन्य पौष्टिक पदार्थ इस ऋतु में सेवन योग्य माने जाते हैं। प्रातः सेवन हेतु रात को भिगोए हुए एक अच्छे चने दूब खूब चबा चबा कर खाएं। मूंगफली, गुड़, गाजर, केला, शकरकंद, सिंघाड़ा, आंवला आदि कम खर्च में सेवन किए जाने वाले पौष्टिक पदार्थ हैं। इस ऋतु में बर्फ अथवा बर्फ या फ्रिज या पानी, रूखे सूखे रूखे सूखे कड़वे रस प्रधान द्रव्यों, वात कारक और बासी पदार्थों एवं जो पदार्थ आपकी प्रकृति के अनुकूल न हो उनका सेवन न करें। शीत प्रकृति के पदार्थ का अति सेवन न करें। हल्का भोजन भी निषिद्ध है। इन दिनों में खटाई का अधिक प्रयोग न करें जिससे कफ का प्रकोप न हो और खांसी, श्वास, दमा, नजला, जुकाम आदि व्याधियां न हो। ताज़ा दही, छाछ, नींबू आदि का सेवन कर सकते हैं। भूख को मारना या समय पर भोजन न करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, क्योंकि चरक संहिता का कहना है कि शीतकाल में अग्नि के प्रबल होने पर उसके बल के अनुसार पौष्टिक और भारी आहार रूपी ईंधन नहीं मिलने पर यह बढ़ी हुई अग्नि शरीर में उत्पन्न धातु रस को जलाने लगती है और वात कुपित होने लगता है, अतः उपवास भी अधिक नहीं करने चाहिए। शरीर को ठंडी हवा के संपर्क में अधिक देर तक न आने दें। प्रतिदिन प्रातःकाल दौड़ लगाना, शुद्ध वायु सेवन हेतु भ्रमण, शरीर की तेल मालिश, व्यायाम, कसरत व योगासन करना चाहिए। आगे देखते हैं क्या दिया है इस बुक में। जिसकी तासीर ठंडी हो वे इस ऋतु में गुनगुने गर्म जल से स्नान करें। अधिक गर्म जल का प्रयोग न करें। हाथ पैर धोने में भी यदि गुनगुने पानी का प्रयोग किया जाए तो हितकर होगा। शरीर में चंपी करवाना यदि कुश्ती अथवा अन्य कसरतें आती हों तो उन्हें करना हित वह है। तेल मालिश के बाद शरीर पर उबटन लगाकर स्नान करना हितकर होता है। कमरे एवं शरीर में थोड़ा गर्म गर्म रखें। सूती, मोटे तथा ऊनी वस्त्र इस मौसम में लाभकारी होते हैं। प्रातःकाल सूर्य की किरणों का सेवन करें। पैर ठंड न हों इस हेतु जूते पहने। बिस्तर, कुर्सी,
अथवा बैठने के स्थान पर कंबल, चटाई, प्लास्टिक अथवा टाट की बोरी बिछा कर ही बैठे, सूती कपड़े पर न बैठे। स्कूटर जैसे दुपहिया खुले वाहनों द्वारा इन दिनों लंबा सफ़र न करते हुए बस, रेल, कार जैसे वाहनों से ही सफ़र करने का प्रयास करें। दस मूला रिष्ट लोहा सब अश्वगंधा रिष्ट च्वैंग प्रास अथवा अश्वधवा लेह जैसी देसी व आयुर्वेदिक औषधियों का इस काल में सेवन करने से वर्ष भर के लिए पर्याप्त शक्ति का संचय किया जा सकता है। हेमंत ऋतु में बड़ी रहर का चूड़ और सौंठ का चूड़ संभाग मिलाकर और इसी ऋतु में बड़ी रहर और चूड़ संभाग पीपल चूड़ प्रातः सूर्योदय के समय अवश्य सेवन करना चाहिए। दोनों मिलाकर 5 ग्राम लेना पर्याप्त है। इसे पानी में घोलकर पी जाए, यह उत्तम रसायन है। लहसुन की 3-4 कलियां या तो ऐसे ही निगल जाएं, या तो चबा खा लें, या दूध में उबालकर खा लिया करें। जो संपन्न और समर्थ हुए मौसम में केसर, चंदन और अगर घिसकर शरीर पर लेपन करें। गरिष्ठ खाद्य पदार्थों के सेवन से पहले अदरक के टुकड़ों पर नमक व नींबू का रस डालकर खाने से जठराग्नि अधिक प्रबल होती है। सर्दी, जुकाम एवं खांसी मिटाने के उपाय, यह इम्पॉर्टेंट है, आप इसे देखिए। सुबह तथा रात्रि को सोते वक्त हल्दी, नमक वाले ताजे भुने हुए एक मुट्ठी चने खाएं, किंतु खाने के बाद कोई भी पेय पदार्थ, यहाँ तक कि पानी भी न पिएं। भोजन में घी, दूध, शक्कर, गुड़ एवं खटाई तथा फलों का सेवन बंद कर दें। सर्दी खांसी वाले अस्थायी मरीजों के लिए यह एक सस्ता प्रयोग है। भोजन के पश्चात हल्दी, नमक, भुनी हुई अजवाइन को मुखवास के रूप में नित्य सेवन करने से सर्दी खांसी मिट जाती है। अजवाइन का धुआं लेना चाहिए। अजवाइन की पोटली से छाती पर सेंक करनी चाहिए। मिठाई, खटाई, चिकनाई युक्त चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। प्रतिदिन मुखवास के रूप में दालचीनी का प्रयोग करें। 2 ग्राम सौंठ, 1/2 ग्राम दालचीनी तथा 5 ग्राम पुराना गुड़, इन तीनों को कटोरी में गर्म करके रोज ताज़ा खाने से सर्दी मिटती है। सर्दी जुकाम अधिक होने पर नाक बंद हो जाती है, फिर भी भारी हो जाता है और शरीर भारी हो जाता, सिर भारी हो जाता है और बेचैनी होती है। ऐसे समय में तपेली में पानी को खूब गर्म करके उसमें थोड़ा दर्द शामक मलहम, नीलगिरी का तेल अथवा कपूर डालकर सिर व तपेली ढक जाए। ऐसा कोई मोटा कपड़ा या तौलिया